तो आ मंदिर लगभग मतलब 64 में बनी हो मेजर शैतान सिंह जी रो अठे एक पर्चो भी है और एक विशेषता हमारे मेजर साहब ने मंदिर यहाँ है भाई मने शराब नहीं चढ़ाई जाए तो लारू अफसर आदेश आया कि मेजर शैतान सिंह पीछे हट जाओ। खमा घणी मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको जोधपुर और अबार में आई हूँ शैतान सिंह नगर में। इस नगर रो नाम ही इस वास्ते पड़ियो क्योंकि अठेरा जी का शहीद मेजर शैतान सिंह का वे इंडिया और चाइना री जदे वॉर हुई उसमें शहीद होया हा बहादुरी दिखाता हुआ। तो अबार आप मारे लारे देख सको हो श्री परमवीर चक्र सम्मानित शहीद शैतान सिंह जी रो मंदिर है। आपा जाना ला आपा एनी फैमिली भी मिला ला परिवार जनू मिला ला और जाना ला शैतान सिंह जी का है शहीद शैतान सिंह जी वैनी वीर का था मेजर शैतान सिंह जी बार भी वीरता लड़ाई करी चाइनीज री जो कि चाइना री टॉप फौज ही लड़ाकू फौज चाइना री उन फाइट करी लड़ाई जबरदस्त लड़ाई हुई उन टाइम पर भारत सेना कने एडा हथियारी को आनी पर न इतनी कोई उठे सर्दी में रहने वास्ते इक्विपमेंट को आनी और वास्तविक लड़ाई में मेजर शैतान सिंह जी आर्मी हेडक्वार्टर आदेश आया कि भाई मेजर शैतान सिंह जी ने उठ मांगी भाई जवान भेजो हथियार भेजो अमनेशन भेजो तो लारू अफसर आदेश आया कि मेजर शैतान सिंह पीछे हट जाओ अब हम लड़ नहीं सकते विड्रॉ कर। तो मेजर साहब ने शब्द आया कि मैं पीछे नहीं हटूँ। मेजर साहब आपने चाइना लड़ाई में हिंदुस्तान हारियो तो सिर्फ मेजर शैतान सिंह जी जटे वह चौकी वह कायम रखी और वह जगह छोड़ी को नहीं वह आज तक ही अपर खाने वह आज तक की उन्हें माते चल रही है चाइना री बीच में चाइना हमेशा करे वह चौकी मेजर शैतान सिंह छोड़ी को नहीं वह जगह आज तक ही अपर खाने कायम है और उठे एक चसूल पहाड़ी है रिजांगला जो चसूल एक हवाई अड्डो छोटो वह जगह एक ऐडी है जो को चाइनीज उठूंगा अगर घुस जाता तो हिंदुस्तान में बाकी शहरों में या जगह कौरकंड में बहुत कम टाइम लगता। तो मेजर शैतान सिंह जी वो जगह ने छोड़ी को नहीं वीरताओं लड़िया जनो परमवीर मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र विजेता पढ़े बारे में वे हमेशा ही मारे फादर ने कहता भाई पत्र व्यवहार करो तो अंग्रेजी में करो इंग्लिश में करो आज तक ये लेटर माखन मौजूद है हाँ कि भाई इंग्लिश में ताकि आपका अभ्यास बना रहे पूरा जी को परिवार है वो देशभक्ति में लगे भक्ति में और हमारे गांव रो लगभग हर परिवार में एक दो एक तो है ही है बाकी सब मिलिट्री आर्मी में देश सेवा बहुत अच्छी चीज है सर गांव री और आपरे परिवार री भी की देश री सेवा रे वास्ते आतुर है सब लोग अठेरा शैतान सिंह शहीद होने बाद में हमारा अठे स्कूली सुविधा है आज हायर सेकेंडरी स्कूल है उन टाइम प्राइमरी स्कूल ही मिडिल हो गई थी सड़क सुविधा है ट्यूबवेल है पानी की व्यवस्था आजकल तो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल हर खेत में हर परिवार में है लेकिन उन टाइम उन्हें सुविधा मिली और गवर्नमेंट नौकरी में भी पूरे परिवार में सी ओ भी हो गाँव में भी लोगों ने इतनी व्यवस्था दी कि गवर्नमेंट और सड़क बिजली सब ठीक है लेकिन हमारी एक हार्दिक इच्छा है हमारे पूरे गाँव री के भाई मेजर शैतान सिंह जी री स्टेच्यू मूर्ति हर बड़े शहर में है हर जगह मेजर शैतान सिंह जी करीब करीब मैंने कई लोग मिले हैं हमारे परिचय वजन कहो हो मैं मेजर शैतान सिंह जी कॉलोनी में रहूँ मैं कठे कॉलोनी में रहूँ आपके मैं जयपुर में रहूँ उठे कि उठे मेजर शैतान सिंह जी कॉलोनी है हकीकत में है जैसे अजमेर में है कई जगह है तो हमारे फलोदी हेडक्वार्टर जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर है अट मेजर शैतान सिंह जी स्टेडियम जरूर है लेकिन मूर्ति नहीं है हमारे पूरी गाँव रही और पूरे एरिया री मोरी एक मांग है एमपी एमएलए सबों ने कहा आज तक हुआ नहीं है आ मोरी अगर सरकार तक जावे हमारी आवाज तो और गांव में भी और तहसील भी मेजर शैतान सिंह जी मूर्ति धन्यवाद सरकार बिल्कुल साहब मैं लोग पूरी कोशिश करा ला कि आपकी जी की आवाज है वह प्रशासन तक पहुंचे बाकी नौकरी जॉब गवर्नमेंट रो है प्राइवेट है कोई मार तो आई विचार है भाई अगर कोई भी है तो सबसे पहले पढ़ाई माते ध्यान दे और उन माते आप कोई पढ़ाई साथ साथ जॉब भी करे दूसरे ने भी एक विशेष मारी है कि भाई बच्ची अगर घर में पढ़े तो वह पांच परिवार ने वह पढ़ा सके बच्ची अगर पढ़ी जावे आप जैसे कि संस्कार है शादी करते हैं तो सामने वाले घर में भी अगर अनपढ़ है तो वह बच्ची उन्होंने भी पढ़ा सके तो विशेष तौर मतलब बच्चियों ने पढ़ाई जरूरी है कि भाई एक बच्ची पढ़ी घर में हुए तो पांच निरीक्षक से तो उन्होंने पढ़ा सके। मेजर शैतान सिंह जी रहे छोटा भाई है हमारा पिताजी मेजर साहब रे परिवार हूँ मेजर साहब हमारा बड़ा पिताजी है जैसे आप वहाँ बार खड़ा हूँ और मंदिर मेजर साहब रो है मेजर साहब रा नाम है मूर्ति आप लगभग देखी हो तो और मंदिर मेजर शैतान सिंह जी रे लड़का है नरप सिंह जी नाम तो नरप सिंह जी मेजर शैतान सिंह जी 62 मतलब 62 की लड़ाई में शहीद हुए थे तो और मंदिर लगभग मतलब 64 में बनी हुआ छोटो मंदिर उन टाइम एक छोटो कमरे टाइप उन बाद में जो को निर्माण कराया नरप सिंह जी मेजर शैतान सिंह लड़कों ने कराया और सभी ग्रामवासी अठे हमारे गांव में एक साल में जागरण भी लगे और जैसे कि मारवाड़ में प्रथा है या पर देवी देवताओं की तो मन इन चीज ने और वास्तव में मेजर शैतान सिंह जी रो अठे एक
परचो भी है बहुत अच्छा। अठे इतनी दुर्गम रास्ता है, घोड़ा बिजी है, कोई भी आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ जो कि नहीं कैजुअलिटी हुई या कोई नुकसान हुआ, और मनोकामना भी पूरी हुई, अंधविश्वास नहीं है। और एक विशेषता हमारे मेजर साहब ने मंदिर यह है भाई, मैंने शराब नहीं चढ़ाई जाए, लोग आप लोग शौक चढ़ाओ बात अलग है, शराब मुंह के लगा के नहीं चढ़नी चाहिए, शराब नहीं चढ़ा। और दूसरी प्रथा है कोई बलि, बलि भी अठे मना है, बकरा बलि है नहीं, ये भी नहीं। मीठा चूरम, मीठी रोटी या चूरम हो या मिठाई, ये चीजों ए भोग नारियल इन चीजों का भोग लगे, अठे बलि मना है। साल में हर बार 18 नवंबर को जो मेजर साहब के शहीद दिवस मनाया जाता है, तो जोधपुर में मेजर शैतान सिंह जी की मूर्ति लगड़ी है पावटा में, तो उठे अपर मिलिट्री वाला आपने जुमो रखे हुए आपने इस तरह माते हर 18 नवंबर ने उठे दिवस मनावे। और बचपन में और बाद में मारे दादाजी आए हुए स्टेट टाइम गवर्नमेंट स्टेट टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल, मतलब सिपाही से भर्ती हुए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हुए, तो वहाँ और बच्चों रही शिक्षा सब जोधपुर दराई। तो मेजर शैतान सिंह जी पहला प्रताप स्कूल, फिर चौपाशनी स्कूल, अब जो जयनारायण विद्यालय ये जसवंत कॉलेज थी, तो जसवंत कॉलेज पढ़ाई की ठीक है सर, और डबल एम ए थे। 1962 की लड़ाई में चाइना युद्ध में जटे बार रिजांगला जो पहाड़ी है और उठे चाइना युद्ध में वीरता हासिल करी। सिर्फ इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर जो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो, ताकि दूजा लोग भी इस वीडियो ने देखने वाली बात सुनने मोटिवेट हो सके और आपने जीवन में सफलता पा सके। सब्सक्राइब करना मत भूल जो झलको जो झलको राजस्थान रे चैनल ने यूट्यूब माते, आपने बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितना भी नया वीडियो आवेला आप नोटिफिकेशन आवेला। आप कमेंट करने भी बता सको अगर आप भी की शहीद परिवार ने जानो हो तो भी आप कमेंट करने बता सको, आपके क्षेत्र में अगर कोई शहीद परिवार है तो, और माने माध्यम आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचानी चाहो तो वो भी आप बता सको। और एक मांग एंडलोगारी है, एक इच्छा एंडलोगारी है कि जिका शहीद मेजर शैतान सिंह जी है वैनी मूर्ति फलौदी तहसील में और अठे गांव में एक अगर हो जावे सरकारी तरफ तो एने लोगारी एक रिक्वेस्ट है। तो ये आप वीडियो ने शेयर करो तो प्रशासन तक वह आवाज़ पहुँचेला। जय हिंद, जय राजस्थान।